सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम आ चुके हैं अपने एक और मज़ेदार जगह पे, जो कि भाई नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। भाई चिड़ियाघर की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1952 में इनॉग्रेट हुआ था और 1980s के बाद इसका नाम जो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क पड़ा चिड़ियाघर का। बाकी बात करते हैं जगह की लोकेशन की, तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो इसका प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन, जिसका सुप्रीम कोर्ट जो कि ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन है वो पड़ेगा। बाकी टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे की टाइमिंग्स है। और एक चीज़ ध्यान रखना, फ्राइडे को क्लोज रहता है जू जो है चिड़ियाघर है, ये फ्राइडे को क्लोज रहता है। टिकट की बात करें तो 80 रुपये टिकट प्राइस है एडल्ट के लिए। और एक बड़ी बेवकूफ़ी लगी मेरे को यहाँ पे, यार यहाँ पे ऑफलाइन टिकट अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, वो भी एक साइट है इनकी, वो भी कितनी बार तो एरर दिखा चुकी है मेरे को। तो घर से टिकट बुक करके आएँ। और एक चीज़ और, जब आप बुक करोगे तो उसमें UPI का ऑप्शन ही नहीं है, पेटीएम गूगल पे कर ही नहीं सकते, सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। तो यार लोगों की बहुत भीड़ है, जैसे हमें चलो आता हम कर लेते हैं, लेकिन जिन पे नहीं आता जो बेचारे वो इतने परेशान हुए, लोगों मतलब बुक ही नहीं कर पा रहे टिकट, मतलब इतनी भीड़ हुई पड़ी है टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर क्या, ऑफलाइन टिकट काउंटर है नहीं, सिर्फ एक बोर्ड लग रहा है, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखनी है आपको ऐसे बुक करना है। चलो हमने टिकट बुक कर ली, हमें आती है, हमने कर, लेकिन कई लोग हैं जिनको यूज़ करना नहीं आता, तो बहुत परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं भाई मेरी टिकट बुक कर दे, मेरी कर दे। तो बहुत बेवकूफ़ी लगी, ऑफलाइन टिकट अवेलेबल ही नहीं है, और अगर ऑनलाइन है उसमें भी पेटीएम गूगल पे नहीं, सिर्फ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना भाई, घर से टिकट बुक करके आएँ। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी यार यहाँ के एनिमल्स वगैरह की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन आता है चिड़ियाघर में आने से पहले कि भाई शेर दिखेगा यहाँ पे या नहीं, तो भाई वो तो मेरे को भी नहीं पता, मैं भी देखूँगा, दिख गया तो आपको भी दिखा दूँगा। बाकी एलिफेंट हो गया आपका, जगुआर, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, मतलब 1300 से प्लस एनिमल यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखते हैं, पूरा कंप्लीट टूर होगा जू को लेके। मौसम बहुत सही हो रहा है यार, मेट्रो बताई दी, टाइमिंग्स बताई दी, टिकट बताई दी। टू व्हीलर की पार्किंग की बात करें तो भाई 30 रुपये की चार्जेस है टू व्हीलर पार्किंग की, तो भाई बैठ जाओ मस्त फ्री होके वीडियो को एंजॉय करने के लिए। तो फिर चलना यार, ये भाई पूरे बाहर का एरिया देखो, यहाँ से सामने से एंट्री होगी, और ये जो टिकट काउंटर मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ से बोर्ड लगा इंस्ट्रक्शन, यहाँ से आप बुक कर सकते हो टिकट अपने, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए सारे। ये सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं होती है, क्योंकि ये बेवकूफ़ मैंने आपको बताया टिकट वाली, ऑफलाइन टिकट अवेलेबल ही नहीं है। और ये सामने हमारा एंट्री गेट है, अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे, टिकट हमारी ऑनलाइन बुक कर ली हमने, तो चलो भाई अंदर चल के देखते हैं फिर। तो ये भाई हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, ये देखो सामने से भी हमने एंट्री की थी, काफ़ी अच्छे खासे एरिया में बना हुआ है, 176 एकड़ के करीब का एरिया है जू के लिए। ये भी कुछ वार्निंग लिखी हुई है भाई, जो जानवरों को तंग वंग ना करें, और ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है यहाँ पे। और यहाँ से एंट्री है, और ये देखो यहीं से एग्जिट है आपका, ये लिखा हुआ है बाहर जाने का रास्ता। तो चलो भाई चलते हैं और आपको एक एक करके एनिमल्स दिखाते हैं। ये भाई पहला जानवर हमारा ब्लैक स्वैन, ये सामने आप देख सकते हो ब्लैक स्वैन, जो कि काला हंस। पानी ज़्यादा साफ हो रहा है कुछ है भाई, ये पूरा लिखा हुआ है भाई ब्लैक स्वैन के बारे में। ये देखो भाई, ये सामने बैटरी वाली जो बस है, इसको आपको पूरा टूर कम्प्लीट कराएगी आपको बैटरी वाला, इसकी जो चार्जेस 70 रुपये पर पर्सन के चार्जेस हैं इसके, ये पूरा टूर करा देगी आपको। एक बार आपको चार्जेस दिखा दे इसका, टिकट काउंटर बुक करने का। तो देखो इस पूरी लिस्ट लिखी हुई है यहाँ पे एनिमल्स की, लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाले हैं और राइट हैंड साइड पे ये वाले हैं। पहले चलो ना लेफ्ट हैंड साइड, अफ्रीकन हाथी देखना हमें, चलो अफ्रीकन हाथी देखो भाई। लॉन्ग टेल्ड मकाऊ मिलेगा यहाँ तेरे को, हॉक डियर, नील गाय और ब्लैक डक, ब्लैक बक सॉरी, ये भाई बंदर, ये तो नॉर्मल सही है, हर जगह दिख रहे हैं यहाँ पे चिड़ियाघर में। देखो वो बैठा आइसक्रीम खा रहा, देख सॉफ्टी खा रहा है। तो भाई देखो भाई बाल को भी सॉफ्टी छीन ली बंदर ने, बढ़िया सॉफ्टी इंजॉय कर रहा है। देख रहा है वो, गुर्रा रहा मेरे ऊपर। देखो व्यू देखो क्या मस्त हो रहा है, पूरे चारों तरफ ग्रीनरी हो रही है, मौसम बहुत सही हो रहा है यार। धूप होती तो बड़ा गंदा एक्सपीरियंस होता मेरा तो भाई, धूप आते ही, लेकिन मौसम बहुत सही हो रहा है, तो पूरे तरफ चारों तरफ ग्रीनरी है, मौसम एकदम मस्त बारिश वाला हो रहा है, तो फील आ रहा है घूमने में कि हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब अभी तक। देखते हैं यार कौन कौन से एनिमल्स वगैरह दिखेंगे अभी। देखो भाई यहाँ पे कुछ एनिमल दिखे, नील गाय, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक और सांबर, ये तो यार जब उधर से आएंगे तो आपको दिखाएंगे, अभी तो नहीं दिख रहा है यहाँ से हमें। भाई एनिमल्स तो हैं ही 1300 प्लस, 400 प्लस जो पेड़ पौधे हैं उनकी स्पीशीज़ भी हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पोंगेमिया पिनाटा इंडियन हवेरीड, जो भी है इंडियन बीच करंज, मतलब जितनी भी स्पीशीज़ हैं पेड़ के भी 300 से प्लस स्पीशीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे पेड़ पौधों के भी। जानवर के तो खैर हैं ही 1300 से प्लस, लेकिन
प्लांट्स ट्रीज भी बढ़िया एकदम। देखो भाई रोज़ी पैलीसेन, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट, ये सारे रोज़ी पैलीसेन है भाई, काफ़ी सारे हैं। एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये हैं भाई हमारे रोज़ी पैलीसेन करके, काफ़ी सही भी हो रहा है यार, मौसम भी बढ़िया हो रहा है और ये सब कुछ इसके बारे में लिखा भी हुआ है। देखो आप यहाँ पे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, इंडिकेशन लगे हुए हैं, लॉइंटेड मकाओ, ब्लैक बक, सामर डियर, हॉक डियर, ये सारे इस सेलेक्शन में है। देखो इधर से हमारे सारे वाटर बर्ड्स थे, नील गाय, ब्लैक बक देखा था स्टार्टिंग में, बाकी डियर नहीं दिखा अभी तक हमें, और ये रोज़ी पेलिकन आपको दिखाई दिया हमने। तो चलो भाई आगे चलते हैं। लॉइंटेड मकाओ वो बेटा सामने, और एक और लंगूर, बेसिकली ये देखो भाई ये ब्लैक लग तो रहा है, ब्लैक बक यही है इसके सींग भी अलग है भाई, ब्लैक बक यही है शायद, बाकी तो नॉर्मल है सारे हिरण। और यहाँ पर यार एक चीज़ बड़ी सही है, देखो हर एंड पे एक तो ये स्टॉप है जो मैं आपको बता रहा था ना, बैटरी वाली जो बस से आ रही है उनके हर थोड़ी देर बाद स्टॉप है, ये दूसरा स्टॉप है सामर डियर पे, अगला स्टॉप होगा, हर स्टॉप पे रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए बनाया हुआ है, तो अच्छी चीज़ है। मतलब ये देखो आ रही है सामने, यहाँ पर रुकेगी फिर अगला स्टॉप उसका आगे होगा, और रिफ्रेशमेंट हर कॉर्नर पर आपको दिखी जाएगी हर स्टॉप पर बेसिकली। चलो आगे चलते हैं, अभी ब्लैक बक देखा है हमने, शेर का इंतजार है सबको, देखेंगे दिखता है नहीं दिखता। तो चलो फिर ये सामर डियर है, देखते हैं सामर डियर कहाँ पे है भैया। अभी सामने सामर डियर, इसके सींग देख सकते हो आप कितने ख़तरनाक से हैं, चार पांच हैं यहाँ पे, ये देखो ये सामर डियर हमारा। ये भाई सामने ताड़ बिलाव, कॉमन बाफ स्वेट, देखते हैं भाई इसमें क्या है। ये भाई देखो कॉमन पाम स्वेट, इसको ताड़ बिलाव बोलते हैं, सब कुछ देखिए इसकी स्पीशीज़ वगैरह, हाइट, बर्थ, सब कुछ। ये भाई आराम से सो रहा ताड़ बिलाव, आपको दिखेगा नहीं ऐसे। तो भाई होपफुली यार आपको मज़ा आ रहा होगा, थोड़े थोड़े भी एनिमल्स दिखे हैं, जैसे हमें लंगूर देखा हमने, बंदर तो खैर नॉर्मली दिख ही जाता है, छोटे मोटे ही देखे हैं, कभी गौर देखी हमने, और डियर देख चुके हैं, डियर भी कोई नॉर्मली है। अभी अच्छे अच्छे उन्होंने लास्ट में लगा रखे हैं, जैसे शेर कह रहे हैं कि लास्ट में दिख सकता है, बाकी देखते हैं। और एनिमल्स देखो सामने, ये मोर वगैरह, ये पूरा डियर वाला एरिया है हमारा, बाकी आगे चल के देख रहे हैं यार क्या कुछ और स्पीशीज मिलने वाले हैं। ग्रीन भी अच्छी खासी है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो बिल्कुल मज़ा आ गया, जब मौसम अच्छा है तो मज़ा आ रहा है देखने में भी। देखो आप, अगर आपको दिख रहा हो पीछे चारों तरफ ग्रीनरी है, बिल्कुल मस्त व्यू हुआ पड़ा है, मौसम मस्त हो रहा है। तो चलो देखते हैं और कुछ बढ़िया सा दिखता है यार जानवर, कुछ लगे कि वर्थी डाना, तो देखते हैं चल के। तो चलो फिर, ऐसे बोट स्टॉपेज बन रहे हैं, देखो राइनोसोरस का स्टॉपेज है, ये यहाँ पर रुकेगी और अगला स्टॉप पर रुकेगी फिर सीधा, और ये आ गए भाई राइनोसोरस, देखते हैं चलो जल्दी से चलाना जाए भाई। ये देखो ये राइनोसोरस हमारे, क्या मस्त लग रहे हैं भाई सब। ये रहा भारतीय गेंडा, ये भाई इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है भारतीय गेंडा के बारे में, एक बार पास से दिखाते हैं आपको, चलो आगे चल के। ये देखो भाई इंडियन गेंडा हमारा राइनोसोरस, क्या मस्त लग रहा है, लस लग रहा है, उसने पहना हुआ है लेकिन इसकी जो स्किन है वो रहती ही ऐसे है। और वो रहा भाई पानी में, मस्त चला गया, दो हैं ये दो भाई। भाई एक चीज़ और अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा, देखो साफ़ सफाई देखो आप, हर मेरे ख्याल 500-600 मीटर पे आपको वॉशरूम दिख जाएंगे, रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए छोटे मोटे बूथ दिख जाएंगे, मतलब मेंटेन बहुत अच्छी जगह कर रखा है इतने बड़े एरिया को, तो अच्छा लग रहा है। और मौसम तो भाई हो ही रहा है बढ़िया, तो और मज़ा आ रहा है। देखो ये पूरा बर्ड्स वाले एरिया है, ब्लू येलो मकाओ है सामने हमारे, देखो एक बार आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखो भाई ये है ब्लू येलो मकाओ, बड़ा सुंदर लग रहा है यार लाइव देखने में तो। क्या भाई बेयर आइड कोकेटूस, ये भाई वाइट वाइट सा, ये सिंपल से लग रहा है नॉर्मल सा। और ये मिलिट्री मकाओ, ये है कोकेटू, कोकेटुआ अफ्रीकन ग्रे पैरोट, ये रहा बुरा 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 बुरा, लगता बड़ा सुंदर है लेकिन भाई बहुत दूर बैठा है तो दिख नहीं रहा ढंग से हमें। अफ्रीकन ग्रे पैरट, ये इसके बारे में सब कुछ लिखा ही हुआ है।
पूरा भाई बर्ड्स वाले एरिया, अलग अलग गोल्डन फीजेंट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये सिल्वर फीजेंट है। ये सिल्वर फीजेंट है भाई, ये देखो क्रोकोडाइल, एशियाटिक लॉयन, अफ्रीका एलिफेंट, और ये इधर की साइड है भाई मेन जो क्लाइमैक्स है वो जंगल के राजा शेर का है। तो वही मैं स्पेशली सही बताऊँ वही देखने आया हूँ भाई। यहाँ पे हिप्पोपोटामस भी देख लेंगे, चलो वो बढ़िया लगता है, और वाइट बक भी है इस वाले साइड राइट हैंड साइड पे। चलो हिप्पोपोटामस देख लेते हैं। ये भी देखो स्टॉप भी हिप्पोपोटामस का दराई घोड़ा का, यहाँ पे देखते हैं हिप्पोपोटामस किधर। हाई तो भाई सामने है दराई घोड़ा हमारा हिप्पोपोटामस, बाहर तो निकलेगा ही नहीं पानी से यार। ये देखो बबून टाइगर ये इधर है और एग्जिट भी इधर है, ये पूरा मैप बना हुआ है यहाँ पे जू का। ये देखो भाई एलिफेंट क्या मस्त लग रहे थे, कितने बड़े हाइट भाई साहब, हाइट वेट दूसरा वाला छोटा लग रहा है और इधर वाला काफ़ी अच्छी खासी हाइट का। देखना ऊपर जो है थोड़ा सा छोटा है इससे, वो भाई साहब इसकी सवारी करते थे बचपन पे, उसके बाद अभी देखा है भाई, अब तो देखते भी नहीं, पहले तो अभी गली वगैरह में सवारी वगैरह करने आते थे, अब तो बिल्कुल ही गायब है सालों में। अब देख रहा हूँ भाई साहब हाथी मेरा साथी, बढ़िया ये भाई वाइट टाइगर की भीड़ हो रही है यहाँ पे। वाइट टाइगर तो भाई जगुआर सामने सो रहा है, जगुआर ये देखो कुआर आपको दिख रहा होगा, अंधेरा हो रहा है पर यार अंदर क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये देखो भाई वाइट टाइगर हमारा, ये जगुआर हमारा, ये देखो भाई टाइगर हमारा सामने। अरे यार उधर जा रहा है तो ये पहले ये इधर आ जाओ, मजा आ रहा है ऐसे घूम के ना। ये भाई पूरा रेप्टाइल वाला एरिया है हमारा, ये देखो नीचे एंट्रेंस है, पूरा सांप वगैरह देखेंगे, रेप्टाइल हाउस है ये पूरा, ये देखो। चलो भाई रेप्टाइल हाउस में, ओ ये है भाई यूनियन मिनिस्टर ने 1992 में इनॉग्रेट किया था, ये इसका टैग लगा हुआ है यहाँ पर। आ गए भाई सांप देखने हम अंदर, इंडियन रॉक पाइथन देखो भाई सामने, इंडियन रॉक पाइथन है ये। तो है इंडियन कोबरा भाई, इसमें दिख नहीं रहा वैसे तो, इंडियन कोबरा देख यहाँ पे भी है कुछ दिख जाए तो, इसमें भी नहीं दिख रहा इंडियन कोबरा। ये कुछ टर्टल्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, बस एक पाइथन में क्लियरली दिखा है साफ साफ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हुए हैं रेड स्नेक्स के बारे में। ये ठंडा लग रहा है यहाँ पे, एसी चल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बाहर भी कह रहा तो मौसम बढ़िया हाई, वो बहुत बढ़िया है तो। ये भाई द इंडियन सैंड बो, ये छोटा सा आपको देख रहा हो वो छोटा सा ही है बिल्कुल, यार थकने भी स्टार्ट हो गए हैं थोड़ा थोड़ा। पाइथन बहुत सारे हैं यार, इंडियन रॉक पाइथन फिर से आ गया, कहाँ है वो, ये रहा मेरा भाई एक और इंडियन रॉक पाइथन। ये भाई ऑस्ट्रिच सामने आप देख सकते हो, ऑस्ट्रिच हमारे, ओ वो रे ऑस्ट्रिच, एक बार जूम करके दिखाते हैं यार आपको। ये भाई ऑस्ट्रिच, तो यार बहुत थकावट हो रही है, बस देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत ही रह गया, अब तो सारे ऑलमोस्ट देख ही लिए हमने एनिमल्स, फिर सीधा वीडियो कंक्लूजन तरफ बढ़ेंगे। सो भाई ये तक छोटा सा ब्लॉग हमारे चिड़ियाघर को लेके, अब बताती है भाई मेरे पर्सनल कंक्लूजन की। तो भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बढ़िया रहा एकदम, क्योंकि मौसम वो सही हो रहा था तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, धूप नहीं थी, सारे स्पीशीज देखने को मिले। जो सबसे मेन क्वेश्चन रहता भाई शेर दिखेगा या नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, मैंने बंगाल टाइगर देखा, शेर देखा और आपका लेपर्ड भी था और एक वाइट टाइगर, मैंने तीनों चारों ही देखे देखने को मिले मतलब। बाकी यार बहुत बढ़िया साफ किताब है, वेल मेंटेन है, टिकट का यार जरूर ध्यान रखना, 80 रुपये की टिकट है, लेकिन घर से टिकट बुक करके आए क्योंकि भाई वही ऑफलाइन अवेलेबल है नहीं, ऑनलाइन जो अवेलेबल है वो भी सिर्फ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अवेलेबल है, मतलब यूपीआई उसमें है ही नहीं पेमेंट, जो आप करोगे तो यूपीआई गूगल पे पेटीएम दिखाएगा ही नहीं, बड़ा बेवकूफ़ी लगी मेरे को। तो भाई घर से टिकट बुक करके 80 रुपये टिकट है। बाकी एक जो मैंने आपको बताई थी वो जो कार जो इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो 70 रुपये पर पर्सन के हिसाब से उसके स्टॉपेज बने हुए अलग अलग, बाकी बूथ बने हुए, रिफ्रेशमेंट सब कुछ मतलब बढ़िया से मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था भाई छोटा सा ब्लॉग हमारे चिड़ियाघर को लेके, होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया, पसंद हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना, कोई डाउट रह गया हो
और भाई तो चलो भाई मिलते हैं किस नेक्स्ट अमेजिंग से ब्लॉग में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।